प्राचीन काल में एक साहूकार के सात बेटे, सात लड़के और सात बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई, जहाँ से वह सब मिट्टी खोद रही थी। मिट्टी खोद रही थी तभी वहीं स्याहू माता सिंह की मार थी। समय सिंह का बच्चा मर गया, स्याहू माता ने तेरे मेरे बच्चे मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कुख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कुख बदवा लो। छह भाभियों ने अपनी कुख बदवाने इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासु जी से रूठ न हो जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बदवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वो सातवें दिन मर गया। इस प्रकार उसके सात लड़के हुए और मर गया। तब एक दिन उसने ज्योतिष को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है सातवें दिन मर जाती हैं और इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय श्याम माता की भाली है, वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वो बहू नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती हुई गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहू बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मैं मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोले कि स्याहू माता तुम्हारी भाली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखहारी की यह बात सुनकर गौ माता बोले अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले साथ समुद्र पार अपनी भाली के पास चली दी। मार्ग में धूप में बहुत कड़ी पड़ रही थी, वो दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठे। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया, उसी वृक्ष पर गरुड़ पगनी ने बच्चे दे रखे थे, वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, उस बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर गरुड़ पखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देख साहूकार की बहू के चोचे मारने लगे। तब वह बहू बोली कि मैं ही तो तेरे बच्चे की सर्प को मारकर रक्षा की और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात करके सुनकर गौड़ू प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें सात समुद्र के पार श्याहू माता के पास चाह दे। जब गरुड़ पखनी से दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर सात समुंदर पार स्याहू की माता के पास पहुँचा दिया, स्याहू माता अपनी भैली को माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भैली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर वो बोली कि बहने जान मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं तुम। तब सुरही को बोली कि मेरे साथ मेरी भक्ति नाई है, ये तेरी सब जुए निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी स्याहू माता के चुन चुन कर सब जुए निकाल दी। स्याहू माता बोली तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे मांग ले मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगो। स्याहू माता बोले वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तुम्हारे पास बधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी ये बात सुनकर स्याहू माता बोली तूने जो मुझे ठग लिया मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जो तेरे घर तुझे सात लड़के और उन सात की सात बहुएं मिल जाएंगी, तू घर जा करके मेरे साथ करियो, सात आयु बनाकर सात कढ़ाई कर दियो। यह सुनकर जब वो लौट कर घर पहुंची तो वहाँ सात बेटे और सात की सात बहुएं घर बैठे मिली। यह देखकर बहुत खुश हुई
खुश हुई। तभी उसने 7 अरइयों बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करने करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची और रही बना रही हैं और वो खूब उजमन कर रही हैं। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर आई और जाकर कहा कि तूने अपनी को कैसे छुड़वाई, कि तुमने जो